गाइस अभी हमें कुछ नए फ्रेंड्स मिले हैं। कैसे हो भाई लोग? फुल चार्ज है लड़के। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, फिलहाल तो मेरी तबीयत पहले से बेटर है, पता ठीक हूँ। तो निकल चुका हूँ अपनी बाइक लेके दोबारा राइड्स पे एक नया व्लॉग के लिए। तो आज का व्लॉग जो है थोड़ा दूर चलेंगे, आसपास नहीं, क्योंकि रोड रेस तो बहुत हो गया मेरे साथ। मैं नहीं चाहता मेरी गाड़ी दोबारा से कोई ठोके पीछे से। तो आज का व्लॉग होगा थोड़ा लंबा, और आज हम सिटी से जा रहे हैं बाहर, तो वीडियो में बने रहें। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो अभी हम आ चुके हैं किमाड़ी वाले रास्ते पर, और यहीं से होते हुए हम जाएंगे ऊपर, क्योंकि ये रास्ता काफ़ी सही है, खाली है, और यहाँ पे नज़ारे भी काफ़ी देखने को मिल जाते हैं। एक तो यहाँ का व्यू भी बड़ा प्यारा है, सबसे बढ़िया है यहाँ का रोड, एक तो खाली है, ऊपर से ज़िगज़ैग वाली, और मज़ा आता है गाड़ी को दौड़ाने में, और हमें काफ़ी एक्सपीरियंस भी यहाँ पर राइड करने का। सो गाइस, अभी हमें कुछ नए फ्रेंड्स मिले हैं। कैसे हो भाई लोग? फुल चार्ज है लड़के। टाटा, बाय 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 बाय, ओके ब्रो, बाय, बिल्कुल डन। तो गाइस, हमें कुछ सब्सक्राइबर्स लोग मिले हैं नए, बड़े खुश हुए हमें देख के, और ये लोग हमसे पूछ रहे थे ब्लॉग कब आएगा, मैंने इनको बता दिया जल्दी आने वाला है। तो अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे में मिलते हैं, अपना प्यार करते हो, तो इसी तरीके से अपना प्यार हम तक बनाए रखिए। चलिए राइड कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस, गाइस प्यारे प्यारे बच्चों के रिएक्शंस लेते हुए अब हम चल रहे हैं अपनी राइड को आगे कंटिन्यू करने। चेक दिस व्यू गाइस, गाइस व्यू देखो यहाँ से भी कितना मस्त दिख रहा है। गाइस अभी सनसेट होने में है टाइम, तो हम सोच रहे हैं कि लंबी दार माइल्स से ऊपर तो हम आए गए, आप सोच रहे हैं हम खंडर चलते हैं यहाँ पर, तो जब तक सनसेट नहीं होता तब तक खंडर चलते हैं, खंडर का व्यू देखते हैं। सो गाइस, गाड़ी हमने पीछे स्टॉप कर दी है, और यहाँ से जा रहे हैं हम बाय वॉक। जैसे कि आप देख सकते हो सारे लोग यहाँ पे बाय वॉक जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पीछे इन्होंने देखो ऐसे टूट रखा है रास्ता काफ़ी हद तक, सो इसलिए गाड़ी वहाँ ऊपर खड़ी है, देख सकते हो आप। तो फिलहाल हम जा रहे हैं यहाँ से बाय वॉक। ये अपना दोस्त, क्या हाल चाल लक्की भाई, क्या हाल है भाई? बढ़िया। तो ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है 5 बजने वाले, और ठंड से हालत हो रही है बेकार है हमारी, बिकॉज बहुत दूर से आ रहे हैं और गाड़ी चला चला के थक गए, और थकना तो कोई बड़ी बात नहीं हम लोगों के लिए, हम राइडर लोग हम कभी थकते नहीं हैं, पर ठंड की वजह से हाथ जाम हो चुके हमारे, और इसकी तो हालत ही ख़राब हो गई है, क्योंकि ये पिलियन था, ऐसा पिलियन राइडर आया वो भी RC पे, तो समझ सकते हो क्या बीतती होगी इसके ऊपर। तो गाइस एक बार चेक करो, तो अभी हम देख, जैसा कि आप लोग अभी देख सकते हैं, पकड़ के घर ले जाएंगे। बिल्कुल, क्या बोला भाई दोबारा बोलो? एक भूत पकड़ के घर ले जाएंगे, एक भूत पकड़ के घर लेके जाएंगे, और क्या, पेट्टी में डाल लेंगे, पेट्टी उठा लियो रास्ते में, पेट्टी मिलेगी इसमें डाल देंगे, या एक तो इससे डरेगा अभी भूत हमारा, हेलमेट भी तो आप जानते हो हमारा हेलमेट कैसा है। तो आपको बिठाएंगे बैठक, रात को बैठाएंगे बैठक, पेड़ से बांधेंगे उसे, और फिर मारेंगे डंडे से गरम करके, बोतलें खुलेंगी और उससे कहेंगे कि एक बोतल को डबल कर दे। क्या क्या बोला तूने? दो हो जाएंगे। तो गाइस अब नीचे चल के आपको दिखाते हैं, पहले खंडर व्यू दिखाते हैं, व्यू देखो आप। सो गाइस, एक बार जरा व्यू चेक करो यहाँ का आप। Yes.
गाइस चाहे हमारा जैसा बात नहीं होता, इससे पहले भी वाली स्पीड चलती थी, आज भी वाली स्पीड चलती है। तो ओए लकी, इसको जाने, तुझे जाने क्रैश हो सकता है। तो गाइस इसके बाद ये चेक करो, ये इनका एक तरीके का ऑफिस है, यहाँ सब ये देखा। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हो, ये इन लोगों का ऑफिस हुआ करता था अंग्रेजों का, जिस टाइम पे हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, यहाँ पे माइनिंग का काम चलता था। और जो माइनिंग का काम चलता था वो हमारा उस साइड चलता था, सामने सामने वाले पार्ट पे, जैसा कि आप देख सकते हो। और यहाँ पे उनके सीनियर्स अपना ऑफिस वर्क करते थे, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का। तो गाइस अभी और ऊपर चलते हैं और ऊपर से आपको व्यू दिखाते हैं यहाँ का। तो गाइस ये है यहाँ की गैलरी, यहाँ पे अंग्रेजों की, अंग्रेजों के टाइम पे उनकी जो गर्लफ्रेंड्स होती थी यहाँ पे डांस करती होंगी, डांस। आई फॉल इन लव विद यू, जरा एक स्टेप हो जाए लक्की भाई, यहाँ पे ठुमके वाला नागमणी वाला कौन सा था वो कमरिया नाजिम मिल जाओ, नाजिम 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 मिल जाओ। गाइस व्यू देखो आप, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, यहाँ पे इतनी खिड़कियाँ कर क्या रही है, ये देखो। और यहाँ तो मतलब कि यहाँ ये यहाँ से मेरे ख्याल से लोग नज़र रखते होंगे दोनों साइड से। यहाँ पे अंग्रेजों के टाइम पे अंग्रेज क्या करते थे, यहाँ पे डांस करते थे मखणा गाने पे। तो गाइस एक बार ये भी चेक करो, डरिया तैयार है, जो भूत आयरन चल रही है, जैसे कि आप देख सकते हो ये इनका हॉल है उस टाइम। हाँ जी भैया, यहाँ पे रात में रुकना अलाउ नहीं है। गाइस जैसा कि अभी आप देख रहे हो सामने, ये जो आपको यहाँ का व्यू दिख रहा है, ये जगह है खंडर, और ये लंबी धार माइल से थोड़ा सा और ऊपर आके, थोड़ा सा और ऊपर आना पड़ेगा उसके बाद मिलेगी आपको, करीबन नहीं तो 10 किलोमीटर ऊपर। और यहाँ की जो हिस्ट्री है उसमें ज़्यादातर ये बताया जाता है कि हमारा जब देश आज़ाद हुआ था उससे पहले यहाँ पे माइनिंग का काम चल रहा था, और अंग्रेज लोगों का ये ऑफिस था जैसा कि आप देख सकते हो आज की डेट में इसकी क्या हालत हो रखी है यहाँ पे। और उस टाइम पे यहाँ पे इनका ऑफिस वर्क होता था यहाँ पे, और सामने होती थी वहाँ पीछे की तरफ माइनिंग। और यहाँ पे जो इसको जगह को जो है यहाँ पे हॉन्टेड हाउस बोलते हैं, और इसके पीछे का रीज़न सिर्फ इतना है क्योंकि जब यहाँ पे माइनिंग का काम चल रहा था तो यहाँ पे अप्रॉक्स 1500 प्लस लोगों की डेथ हुई थी, जो यहाँ पे वर्कर्स थे, जो यहाँ पे वर्कर थे उनकी। और उस दिन के बाद से यहाँ पे कभी माइनिंग नहीं हुई, एक तो हमारा देश आज़ाद हो गया था उसकी वजह से, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से यहाँ पे माइनिंग होनी बंद हुई थी, और दूसरा ये हादसा। गाइस सनसेट देखो खंडर का, आप वो सामने खंडर था। सो गाइस आई होप कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर आपको आज का व्यू और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गाइस प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।